इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। से उभरा है, भारत जीता है और मैं 100% मुझे विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि भारत फिर जीतेगा। बिकॉज इंडिया हैज ऑलवेज वॉन ताहिर साहब, इंडिया हर समय जीता है, इंडिया कभी हारा नहीं आज तक। हमारी जो 5000 ईयर्स की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है और 10,000 साल से पहले जो हमारा सिविलाइजेशन जाता है, जो अनरिकॉर्डेड हिस्ट्री है, प्री हिस्टोरिक, जिसको हम कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं प्री हिस्टोरिक, इंडिया हैज नेवर लॉस्ट। इंडिया मे हैव फेल्ट द ब्रंट ऑफ दिस पैंडमिक, बट एंड में जीतेगा इंडिया। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ उन लोगों के लिए। यू नो, माई हार्ट गोज आउट टू सच पीपल, ताहिर साहब, जो जिनके रिश्तेदार अस्पताल में हैं, जिनको दवाइयां अभी फराम नहीं हो पा रही हैं, वैक्सीनेशन का कोई मसला है, ऑक्सीजन का मसला है, हॉस्पिटल बेड्स का मसला है। मैं सब समझता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वी विल ओवरकम दिस। धीरे धीरे ये चीजें दूर हो जाएंगी। मैं बहुत उम्मीद से हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोगों से कि ये आप उम्मीद न छोड़ें। इट्स अ मैटर ऑफ 2 weeks मैक्सिमम, आप देखेंगे 2 हफ्ते में निपटारा हो जाएगा समस्या का। आपने कहा कि ये वायरस वाकई पूरी दुनिया के लिए डेंजरस है, चीन से इसका ओरिजिन हुआ, चाइना ने भी भारत की मदद की बात की है, पेशकश की है, पाकिस्तान ने भी बात की है, कैसे देखते हैं, कोई मदद भारत उनसे लेना चाह रहा है या वो करने के काबिल हैं, या वो सिचुएशन क्या है? देखिए, चाइना मदद कर सकता है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना ने हमें वायरस दिया। ये जो मौतें हो रही हैं चाइना की वजह से हो रही हैं। चाइना इज the People's Republic of China is responsible for millions of deaths. तो जिस किस्म का वॉरफेयर उन्होंने दुनिया पे छेड़ा है, तो उन लोगों ने करा ही है, क्योंकि चाइना में इतने लोग नहीं मरे जहां से वायरस शुरू हुआ। लोग यहां तक कहते हैं कि शंघाई में वायरस नहीं गया, बीजिंग में वायरस नहीं गया, जहां पे था, ठीक है, वुहान में, वहीं पे उन्होंने कैद करके रख दिया। अब जो भी उन्होंने करा, वट एवर दे डिड, आई एम नॉट अवेयर, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना में इतनी डेथ्स नहीं हुई जितनी इटली में हो गई या कहीं और हो गई, तो हिंदुस्तान में हो गई। ऐसा क्यों है कि जहां से वायरस निकला वहां के लोग बच गए और बाकी सब ठीक है, वहां के लोग बच गए, अच्छी बात है। मैं नहीं चाहता कि चाइनीज, आम चाइनीज को कुछ दिक्कत हो, मैं ये होप भी नहीं कर रहा और मुझे करना भी नहीं चाहिए ऐसी बात, लेकिन द चाइनीज गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि ताहिर साहब, जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान अच्छी बात है अगर पाकिस्तान ने मदद की पेशकश करी है, लेकिन जहां तक मैं पाकिस्तानी मीडिया को देखता हूं, तो पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि जी हमारे सिर्फ 15 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगी है, 17 लाख लोगों को लगी है, 25 करोड़ की हमारी आबादी है, जनसंख्या है, हम क्या करें, हम तो खुद मर गए, इमरान खान ने कुछ नहीं करा, हमें बस अपनी किस्मत के उस पर छोड़ दिया है इमरान खान ने, वहां पर तो ये बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने पेशकश करी है मदद की, अच्छी बात है, पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान कैसे मदद करेगा, मतलब क्या करेगा मदद करके, पाकिस्तान किस तरीके से मदद करेगा, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। आई एम नॉट सेइंग दैट ये बुरी चीज है पाकिस्तान ने, मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है, नेबर्स की हेल्प के लिए आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान आगे आए, लेकिन कैसे करेगा ये मुझे क्लियर नहीं कि पाकिस्तान मदद हमारी करे, वो ऐसा क्या करेगा, या पाकिस्तान बोले कि जी हमारे पास वैक्सीन है, वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन दे दे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी, तो या हॉस्पिटल तो उड़ के नहीं ला सकता पाकिस्तान यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तानी खुद ही आते हैं इंडिया में इलाज करवाने के लिए अपना, अभी वीजा बंद हो गया, वरना इधर ही बैंगलोर शैंगलोर में आते थे बॉम्बे इलाज करने के लिए। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा पाकिस्तान मदद कैसे करेगा, लेकिन पेशकश करी अच्छी बात है, इट्स गुड, इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। आपने बात की वैक्सीन की, आखिर में 2-1 बातें जो मैं टच करना चाहता हूँ वो वैक्सीनेशन के हवाले से है। भारत ने पूरी दुनिया को वैक्सीन दी, हमने कनाडा में वो वैक्सीन रिसीव की, अब कनाडा ने पेशकश भी की है, वाट एवर वे कनाडा कुड हेल्प बैक। तो अब जो वैक्सीनेशन की सिचुएशन है, बहुत सारा मीडिया वहाँ पे भारत में, और वही पॉलिटिकल पार्टीज़ ये भी कहती हैं कि पहले हमने अपने घर में तो सबको वैक्सीनेशन दी नहीं, हमें अब वैक्सीनेशन की कमी हो गई है, अब हम स्पुतनिक मंगवा रहे हैं और दूसरे कंट्री से वैक्सीन मंगवा रहे हैं। तो इस वक्त और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि वैक्सीन की प्रोडक्शन की भारत में क्या सूरत है, और वैक्सीनेशन लोगों के बाजुओं तक पहुँचे उसकी क्या सिचुएशन है? देखिए, सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, बाकी और भी वैक्सीन आ गई हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज रैंपिंग अप कैपेसिटी, 8-10 किस्म की वैक्सीन यहाँ पे आ जाएंगी, मुख्तलिफ किस्म की, यहाँ पे 3-4 किस्म की ऑलरेडी हैं और भी बाहर से आ रही हैं। देखिए ताहिर साहब, ये जो लोग कहते हैं ना कि बाहर क्यों भेजा,
ये अगर बाहर नहीं भेजते तो ये लोग कहते कि भाई बाहर क्यों नहीं भेजा। देखिए इंडिया एक, लोग इंडिया को एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर देखते हैं, ठीक है, लोग देखते हैं इंडिया को एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर। आज की तारीख में जो अमेरिका हमारी हेल्प कर रहा है या जो कनाडा हमारी हेल्प कर रहा है, इंग्लैंड हमारी हेल्प कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि आज से दो महीना पहले हमने इनकी हेल्प करी थी। जो वैक्सीन मैत्री का पूरा प्रोग्राम था, इंडियन वैक्सीन गोइंग अब्रॉड, देखिए ये गुडविल है, दिस इज गुडविल, कोई हमें एड नहीं दे रहा, राइट? नोबडी इज गिविंग इंडिया एड, इंडिया डज नॉट नीड एनीबडी एड, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये हमने इनकी मदद करी। जो बाइडन ने क्या बोला, मैं आप अगर दिखा सकते हैं तो उनका ट्वीट जरूर दिखाइएगा जो बाइडन का, कि जिसमें जो बाइडन ये कहता है कि साहब इंडिया ने हमारी मदद करी जब हम परेशान थे, आज इंडिया परेशान है, हम इंडिया की मदद कर रहे हैं, सो दिस म्यूचुअल। तो ये लोगों, अब इसमें राहुल गांधी जी का ये भी कहना है कि साहब पहले आपने सबको आपको वैक्सीन दे देनी चाहिए थी, ये ऐसी ज्ञानी बाबा वाली बातें करते हैं ना, जैसे हिमालय में जो 50 साल से तपस्या कर रहा होगा चोटी पे बैठ के। देखिए ऐसा है कि जब आपके पास वैक्सीन होती है तो आप ये देखते हैं कि सबसे वल्नरेबल कौन है, तो अगर आपके डॉक्टर्स ये आपको एडवाइस करते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइस करती है कि सबसे वल्नरेबल सेगमेंट जो है वो है जो आपके एल्डरली हैं, तो बोला कि 60 साल के ऊपर जो सीनियर सिटीजन है सबसे पहले उनको दिया जाएगा, फिर बोला साहब जो 40-45 साल के ऊपर है उनको दिया जाएगा, अब बोला 18 साल। हिंदुस्तान में सिर्फ ये बोलना कि आप सबको कर दो वैक्सीन, सबको मतलब किसको कर दो भाई, किसको कर दो 18 साल के ऊपर? 18 साल के ऊपर की बात करें, 100 करोड़ लोग कल पहुंच जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, आप कैसे लगाएंगे? देयर बी अ स्टैम्पीड हियर इन इंडिया। तो ये थोड़ा सा ना, ये आप कुछ कर लीजिए। अगर ये कहते कि, अगर मैं बता रहा हूं यहां पे इतना बुरा हाल है ताहिर साहब, अगर मोदी जी ये कहते ना आज से 4 महीने पहले 3 महीने पहले कि हर एक हिंदुस्तानी को वैक्सीन लगेगी, तो ये कहते कि आपके पास इतनी वैक्सीन नहीं है, आपने कोई प्लानिंग ही नहीं करी, आपने यही नहीं देखा कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है, आपने पहले उनको लगवाना था, फिर वो तब चौधरी बनते, इन्होंने बाहर भेज दी। अगर ये बाहर भेज देते तब इन्होंने बोला कि क्यों भेज दी, कि नहीं भेजते बोला क्यों नहीं भेजी। तो इट्स यू नो डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट वाला मामला है, आप कुछ कर लीजिए। ये लोग कभी खुश नहीं होने वाले, बिकॉज इनको सच्चाई पता है, इनको पॉइंट स्कोरिंग करनी है। और सबसे मुझे जो फनी बात लगती है, ये सब झूठ बोलने के बाद, पॉइंट स्कोरिंग करने के बाद भी, ताहिर साहब दे आर अनेबल टू विन इलेक्शंस, ये फिर भी इलेक्शन हार जाते हैं, ठीक है। आप झूठ बोलिए, आप ये झूठ बोल दीजिए कि राफेल में गड़बड़ हुई थी, आप झूठ बोल दीजिए कि 500 लोग मर गए थे डिमोनेटाइजेशन में, आप झूठ बोल दीजिए कि अभी इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज कलैप्स्ड, आप सब झूठ बोलिए, आपका पूरा हक है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, आप दबा के दिन रात झूठ बोलिए, पर चुनाव तो जीतिए साहब, चुनाव पे चुनाव पे चुनाव पे चुनाव पे चुनाव हारे, लगातार हारे जा रहे हैं, फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं? अगर हारना ही चुनाव तो सच बोल दो यार, क्यों? इन द एंड द रिजल्ट हैज टू बी द सेम। अब एक अपने सर पे पाप भी मोल लो झूठ बोलने का, सत्ता का तो सुख होना चाहिए, अगर आपने पाप करा है झूठ बोल के तो सत्ता का तो सुख मिले ना, इनको सत्ता का सुख मिल रहा है ना, इनको लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है कि चलो ये सच्चे लोग हैं, तो झूठ भी बोल रहे हैं चुनाव भी हार रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, दे आर लूजिंग इलेक्शंस एंड लाइंग, यू नो, यू लाई एंड यू विन एन इलेक्शन, यू नो समहाउ यू कैन मैनेज कि ठीक है झूठ बोला कम से कम मैं जीत तो गया, कितने ये हर चुनाव हार जाते हैं फिर झूठ बोलते रहते हैं। आपने वैक्सीन की बात की तो यहाँ हमारे कनाडा में जहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है, मेरी एज 58 है और मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो हॉटस्पॉट नहीं है, तो मुझे अभी वो वैक्सीन जो मैं चाह रहा हूँ नहीं मिली, चूँकि मेरी अपने हार्ट की कंडीशन है। तो इसका मतलब ये है कि इन मुल्कों में भी जहाँ इतनी कम। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज़ आपको बता दें, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस समय कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें भारत में तो आपको पता है कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि भारत में जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो पर डे की 17 लाख है, एवरेज बता रहा हूँ मैं, ये इससे ज़्यादा भी होती है, इससे थोड़ा बहुत कम भी होती है, लेकिन 17 लाख पर डे की कैपेसिटी है। वहीं पाकिस्तान में 21,000 पर डे कैपेसिटी है टेस्टिंग की, बांग्लादेश में और भी कम है। तो गाइस अब आप देख सकते हो जहाँ टेस्ट ज़्यादा होंगे वहाँ इस नंबर भी ज़्यादा होंगे। तो लेकिन इससे मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि भारत में, पाकिस्तान में और यहाँ पर कोरोना यहाँ पर नहीं है। गाइस कोरोना यहाँ पर है और आपको अभी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है,
आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपका जैसे ही वैक्सीन लगवाने का नंबर आता है, प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं। रूमर्स से बचें, ये अफवाहों में जितना झूठ है उससे बचें। आप देख रहे हैं जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, अगर वो कोरोना पॉजिटिव भी हो रहे हैं तो उनमें डेथ रेशो 0.4% है। मतलब 100 लोग में अगर मुश्किल से मुश्किल एक, वो भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आएगा, मतलब 0.4% चांसेस है उसके मरने के। वैक्सीन बहुत इफ़ेक्टिव है। कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं आप, लेकिन आपकी डेथ नहीं होगी। और अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और ये डर में रहेंगे कि वैक्सीन से ये हो जाएगा, नपुंसक बन जाएंगे, ये हो जाएंगे, जवाने भर के फलाना ठिकाना जो आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा है, तो भैया आप बहुत बड़े रिस्क में आ जाओगे। और वैसे भी आप इतनी मर्दाना ताकत लेकर करोगे क्या, घुस जाओगे क्या रशिया में, अमेरिका में? मतलब यार लोग, ये मर्दाना ताकत और इन फालतू की चीज़ में मैं देखता हूँ व्हाट्सएप वगैरह में आती हैं जब ये वैक्सीन को लेकर अफवाह हैं। अगर उनके परिवार में किसी का कोई मतलब चला जाएगा तब उनको समझ में आएगा, ऐसी झूठी अफवाहें फैलाते हैं। गाइस वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको वैक्सीन लगवाने ज़रूर जाएं, क्योंकि 1 तारीख के बाद वैक्सीन लगवाने के लिए भी आपको बहुत दिक्कत जाएगी। भारत की आबादी ज़्यादा यूथ है, आपको भी पता है जो वैक्सीन की जो मतलब लगाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो वहाँ पर भी आपका नंबर लगेगा। 45 के पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो मेजर गौरव आर्य ने कुछ पॉजिटिव बातें करी हैं कि भारत बहुत जल्दी इस वैक्सीन जो कोरोना प्रॉब्लम आ रही है 15-20 दिन में अच्छा खासा फाइट बैक देने वाला है, और ऐसा लग भी रहा है क्योंकि नंबर शो कर रहे हैं। दोस्तों आज भारत में जो कल की रिकवरी रेट हुई है वो 2,62,000 हुई है रिकवरी रेट। मतलब अगर केस 3 लाख प्लस या 3.5 लाख प्लस केस आ रहे हैं तो रिकवरी भी लगभग 3 लाख तक पहुँच रही है। तो ये तो डेफिनेटली है कि 15 दिन बाद या तो आर या पार की लड़ाई हो जाएगी भारत की, या तो केस बहुत ज़्यादा आएंगे या तो फिर रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा होने के चांसेस, क्योंकि ऑब्वियसली आधे से ज्यादा इंडिया लॉकडाउन में है। लोग वैसे भी अब डर के कारण मास्क वगैरह पहन रहे हैं तो केसेस तो कम होंगे, लेकिन जो पिछले मतलब 15-20 दिन में जो पॉजिटिव हुए हैं या होने वाले हैं या सिम्टम्स शो कर रहे हैं वो अभी नंबर टेस्ट कराएंगे, तो 15-20 दिन में वो टेस्टिंग होगी तो डेफिनेटली वो तो पॉजिटिव आएंगे। तो रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज वैक्सीन लगवाएं, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। ये गौरव आर्य का जो पॉजिटिव वीडियो था इससे थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी। वैसे भी गौरव आर्य की काफ़ी व्यूअरशिप रहती है यूथ के बीच, तो पॉजिटिव रहें, अपने बड़े बुजुर्गों को डेफिनेटली वैक्सीन लगवाएं।